सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा कि चीन और पाकिस्तान भारत के उत्तर पूर्व इलाके को अशांत रखना चाहते हैं और यही वजह है कि भारत में बाहर से अवैध आबादी आने के पीछे प्रॉक्सी एंगल है जिसकी योजना पश्चिमी पड़ोसी यानी पाकिस्तान ने बनाई है और उसे उत्तर पड़ोसी यानी चीन का समर्थन हासिल है। वो हमेशा सुनिश्चित करना चाहेंगे कि इलाके में प्रॉक्सी युद्ध लड़ा जाए। A planned immigration that is taking place because of our western neighbor. They will always try and ensure that this area is taken over through playing the proxy dimension of warfare. You don't have to confront a stronger nation through conventional operations. So you play a proxy game. I think this proxy game is being very well played by our western neighbor, supported also by our northern neighbor. So to that extent, to keep this area disturbed, we will continue to see some kind of migration happening. But I think the solution lies in at least identifying the problem and holistically looking at it, looking at everything in perspective, but development is the main issue, and identifying the population of this area with the population of the mainland becomes important. इस दौरान आर्मी चीफ ने कहा कि जब सामने ज्यादा मजबूत देश हो और उसे परंपरागत तरीके से नहीं निपटा जा सकता है तो प्रॉक्सी तरीका अपनाया जाता है। वहीं उत्तर पूर्व में बांग्लादेश से लोगों के आने की बात पर आर्मी चीफ बोले कि मानव विकास के इंडेक्स में बांग्लादेश भले ही हमसे आगे हो लेकिन वहां से आबादी आती रहेगी क्योंकि वहां बाढ़ के कारण जमीन की कमी होती है। बांग्लादेश हैज अ बेटर एचडीआई देन अस टुडे, देयरफॉर विल द माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश कंटिन्यू। माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश इज हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ टू रीजंस। वन इज लेबंसराम, यू नो दे आर रनिंग शॉर्ट ऑफ स्पेस। लार्ज पार्ट ऑफ देयर एरियाज गेट फ्लडेड अंडर वाटर ड्यूरिंग मॉनसूनस, सो देव गॉट वेरी कंस्ट्रक्टेड एरियाज टू स्टे इन, सो आई थिंक पीपल विल कंटिन्यू कमिंग इनटू आवर प्लेस, इनटू आवर एरियाज। दरअसल आर्मी चीफ बिपिन रावत राजधानी दिल्ली में एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। ये सेमिनार देश के उत्तर पूर्व में सीमा सुरक्षा को लेकर आयोजित किया गया था। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।